आओ साथ में आओ। जैन भाई की तबीयत ठीक है, जैन भाई की यहाँ पर शादी है तो वो आ नहीं पाए किसी वजह से। 19-20 का फर्क भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। व्हाट्सअप आवाज आनी चाहिए पीछे वाले लॉन्डो की। हे दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है भाई, आज हमारे लखनऊ शहर में होने वाला गाइस इंडिया बिगेस्ट गाइस क्रिएटर मीटअप। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तो अभी हम आ चुके हैं लखनऊ के फिनिक्स प्लासियो मॉल में। जैसा कि अभी आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पर, टिकट के लिए कितनी ज़्यादा लंबी भाई साहब लाइन लगी हुई है, क्योंकि भाई पहले टिकट ऑनलाइन बुक करना था, मतलब ऑनलाइन फ्री मिल रहा था, तो बुक करके यहाँ से फिजिकल टिकट लेना था, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी। और जो फैनफेस्ट की टाइमिंग थी वो भाई 11 बजे थी, लेकिन अभी 1:30 बज चुके हैं और अभी फैनफेस्ट शुरू हो चुका है। लेकिन जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जो नामी चेहरे हैं, वो दोस्तों यहाँ पर 3 बजे के बाद आने वाले। तो यही सारा व्लॉग होने वाला है आपको यहाँ पर, मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग को हम यहीं से शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, ये रहा फिनिक्स प्लासियो मॉल। गाइस, इस तरीके का आपको एंट्रेंस देखने को मिलता है और जस्ट सामने वहाँ पर देख रहे हो ये कुछ यहाँ पर बॉक्स ऑफिस वगैरह बना हुआ और यहाँ से एंट्री वगैरह हो रही है और इसके पीछे से भी काफी तगड़ा माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी अंदर चलेंगे, आपको सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा भाई, एक से बढ़कर एक जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर आ रहे हैं ना, सबसे आपको मिलवाने वाला। तो आइए चलते हैं, आपको बॉक्स ऑफिस का जरा नजारा दिखा देते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भाई साहब कितनी ज्यादा लाइन लगी हुई है भाई टिकट लेने के लिए। जिन्होंने ऑनलाइन वगैरह बुक किया हुआ था तो यहाँ पर आके फिजिकल टिकट लिया जरा। और यहाँ पर 11 बजे की एंट्री टाइमिंग थी और अभी यहाँ पर ये देखो भाई 1:30 बजने वाले हैं, बट यहाँ पर अभी आधे से ज्यादा जनता बाहर खड़ी और कुछ जनता वहाँ पर बाहर खड़ी हुई है। तो अभी सब लोग वेट कर रहे हैं टिकट वगैरह लेके, उसके बाद एंट्री वगैरह हो रही, तो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करना है भाई, कम टाइम में आपको सारी चीजें कवर करके दिखानी है। तो अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अंदर की तरफ। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर अंदर की तरफ और यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हो भाई, कितना ज्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा, जो अपने फेवरेट यूट्यूबर से यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं भाई। ये देखो यहाँ पर काफी सारी लाइन वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर गेम वगैरह हो रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं भाई सारा यहाँ पर, फिर आपको दिखाते हैं स्टेज वगैरह यहाँ पर, कैसा स्टेज वगैरह यहाँ पर बना हुआ है। तो ये देखो भाई, इधर की तरफ काफी सारी पब्लिक है और यहाँ पर विन वाला गेम हो रहा है गाइस, यहाँ पर सामने की तरफ देख लो, इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन लगी। और वो सामने की तरफ आपको स्टेज वगैरह देखने को मिल जाता है, तो अभी हम लोग वहाँ पर भी चलेंगे स्टेज के पास में और आपको दिखाएंगे। और भाई यहाँ पर कोसप्ले करके यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफी सारे हमारे भाई लोग यहाँ पर हैं। और इधर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गेम वगैरह खेला जा रहा है, बैट बॉल यहाँ पर, ये देखो भाई यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए भाई, इस तरीके का यहाँ पर आप लोग, मतलब जो लोग भी आए वो यहाँ पर खेल रहे हैं। बाकी इधर की तरफ ECL को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे जर्सी वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर ECL की आपको देखने को मिल जाती है। और आइए चलते भाई स्टेज की तरफ, शायद कोई आने वाला है भाई, आइए देखते हैं भाई कौन आने वाला है गाइस, कौन सा क्रिएटर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा भाई सामने की तरफ। आइए चलते भाई देखते हैं। सभी यहाँ पर आ चुके हैं भाई साहब, UK07 राइडर गाइस, ये देखो अभी सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इतनी ज्यादा भीड़ है ना भाई। ये देखो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ भाई, UK07 राइडर गाइस। तो चलिए व्हाट्सअप आवाज आनी चाहिए पीछे वाले लॉन्डो की। सो अमेजिंग टू बी हियर, दिस इज माय सेकंड मीटअप। बाहर इतने सारे लोग खड़े और उससे ज्यादा लोग अंदर खड़े, बट बाहर वाले लोगों की आवाज बहुत तगड़ी आ रही थी, तो एक बार फुल पावर हल्ला मचा दो फॉर लखनऊ बॉयज। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लखनऊ वाले, एंड आज की जो जनता, बाहर वाली जनता वाज अमेजिंग, बट ये चेक करें गाइस अंदर वाली जनता, लेट्स गो लखनऊ। इट हैज ऑलवेज बीन माय प्लेजर, जब भी मैं लखनऊ आता हूं बहुत लोग प्यार करते हैं। लिमिटेड एंट्री थी क्या इस बारी? अपने ब्रो सेना के लोग भी खड़े हैं वहां पर, व्हाट्सअप क्या हाल है भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सो ग्रेटफुल। क्रिकेट की जगत के प्रिडिक्शन गॉड को आई लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज अनुराग द्विवेदी। गाइस, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए आप
आपकी आदत है हमेशा जल्दी आने की, क्योंकि लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज दोबार को अगर मैं लेके आता तो शहीद पद या किसान पद लेके आता, वाइफ जमती गेड़िया मारते। और एक और अपना अभिषेक भाई अब कोई गेस कर सकता है अगर मैं अभिषेक भाई को कहीं घुमाने ले जाऊं तो कहां लेके जाता? जनेश्वर ना अभिषेक को मैं लेके जाता चटोरी गली। हो सकता है पांडा गैंग भूखी हो, पेट पूजा वही हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो गाइस सभी यहां पर सामने की तरफ अनुराग द्विवेदी आ चुके हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं भाई जस्ट यहां पर। टॉप थ्री में केएल राहुल का नाम होने वाला है एंड देयर आर हाई चांसेस केएल राहुल ऑरेंज कैप विनर है। और अभी केएल राहुल कौन सी टीम में जाएंगे ये भी प्रेडिक्ट कर लो। केएल राहुल जिस टीम में जाएंगे उस टीम के साथ शायद मैं भी काम करूं। कौन सी है ये टीम अब तो हमें जानना है। मैं तो चाहता हूं आरसीबी में वापस आ जाए। क्या लगता है केएल राहुल आरसीबी में जाएंगे आज? बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो गाइस अभी आपको मैंने यहाँ पर भाई अनुराग द्विवेदी को दिखा दिया जो कि अभी यहाँ पर प्रेडिक्शन वगैरह भी कर रहे थे, तो ये सब है। बाकी अभी यहाँ पर UK07 राइडर भी आ चुके हैं, अनुराग द्विवेदी को भी आपको दिखा दिया। और धीरे धीरे अभी यहाँ पर क्रिएटर्स वगैरह आएंगे, धीरे धीरे मान लीजिए शाम तक यहाँ पर क्रिएटर वगैरह आएंगे, उसके बाद दिखाऊंगा, तो बने रहिए। अभी हम लोग इधर आ चुके हैं यहाँ पर भाई, आपको फ्री फायर गेम के जो भी होते हैं भाई इतना मुझे आइडिया नहीं, तो वो लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए भाई इधर की तरफ यहाँ पे फोटोज क्लिक हो रही है। और ये देखिए मैम जी, हेलो, ये देखिए आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम लोग यहाँ से स्टेज की तरफ। लखनऊ ऐसे हैं सब लोग। रैन भाई की तबीयत ठीक है? रैन भाई की यहाँ पर शादी है तो वो आ नहीं पाए किसी वजह से। लड़की किसे मिली? बहुत बहुत प्यारा शहर है लखनऊ और उससे प्यारे यहाँ के लोग है नहीं है। और आज मतलब 19-20 का फर्क भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। पूरा है। तो एक बार रोलक थैंक यू सो मच गाइस। ये थी हमारी राउंड टू हेल की टीम। एक बार जोरदार शोर मचाइए अपने फेवरेट क्रिएटर्स के लिए। तो गाइस अभी आपको मैंने यहाँ पर गाइस राउंड टू हेल की टीम दिखा दी है, वसीम भाई को दिखाया, नाजिम भाई को दिखाया और UK07 राइडर की हल्की सी झलक आपको दिखाई हुई थी और अनुराग द्विवेदी को भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो उसके बाद अभी इवेंट में यहाँ पर आधा घंटा एक घंटे का डिले दिया गया है और उसके बाद अभी इवेंट जो है दोस्तों फिर से स्टार्ट होगा। और अब जो जो क्रिएटर आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपके भाई बचे हुए आशीष चंचलानी और शुक्रा इंसान, तो बस ये भी आने वाले हैं, अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी आपको मैंने यहाँ पर बताया था और यहाँ पर भाई अभी गेम वगैरह चलने लगा है भाई। ये देखो गेम वगैरह चल रहा है, बाकी लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए। ये देखो भाई काफी पब्लिक आ चुकी है और हमारे काफी जान पहचान के लोग अंदर बैठे हुए हैं स्टेज के पास में। तो ये देखो ये रहा स्टेज वगैरह सामने की तरफ देख सकते हो और ये रहा क्राउड वगैरह भाई। ये देखो हमारे भाई लोग एंजॉय करते हुए। तो अभी हम लोग भी चलेंगे भाई, देखते हैं और भी कौन सा क्रिएटर यहाँ पर बचा हुआ है, कौन कौन अभी आता है यहाँ पर। अभी भाई नाम तो नहीं जानते लेकिन कोई बड़े यूट्यूबर ही होंगे, जब सब लोग हाथ मिला रहे हैं तो बड़े यूट्यूबर ही होंगे, फेमस होंगे कोई भाई। अब हम नहीं जानते क्या, कोई नहीं जानते। देखो भाई पागल हो चुकी जनता, पागल हो चुकी भाई, सारे क्रिएटर एक साथ आ गए। अमरेन बाहुबली बता रहे हैं, ये देखो भाई, ये देखो भाई पूरा खींचे ले रहे हैं भाई एकदम जनता, फोटो खिंचा रहे हैं भाई लगातार, फोटो खिंचा रहे हैं। अंकल जी भी इंजॉय कर रहे हैं उधर, ये देखो भाई बहुत लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आज के व्लॉग में आपने देखा भाई, यहाँ पर आज था भाई लखनऊ के प्लासियो मॉल में भाई क्रिएटर्स मीटअप, 200 से भी ज्यादा यहाँ पर क्रिएटर आने वाले थे। बट यहाँ का भाई जो मैनेजमेंट था भाई पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट
हो चुका है भाई, क्योंकि आधे से आधा क्रिएटर वापस लौट चुके हैं भाई। फुकरा इंसान बाहर तक आए और बाहर से ही वापस चले गए। अभी मैं एक क्लिप लगा दे रहा हूँ उनकी इंस्टा स्टोरी, तो आप लोग देख सकते हो। तो भाई कुछ इस तरीके का सीन हुआ है, और अभी शाम के वक्त हो गया, आशीष चंचलानी भी अभी तक नहीं आए, और गेम वगैरह वहाँ पर हो रहा था तो रुकने का कोई मतलब नहीं था भाई। तो कुछ घिसा बिठा जो भी ब्लॉग बना है आपने देखा ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। A few moments later. जिम्मेदारी इज ऑन यू कि आपको जीतना है। ये है आपके कंपेटिटर्स जो कि आपके साथ खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हेलो, ये है जनता जो कि आपको वेव कर करके नहीं थक रही है, आपके साथ बातचीत करना चाहती है, फोटोज खींचना चाहती है। जिम्मेदारी इज ऑन यू कि आपको जीतना है। ये है आपके कंपेटिटर्स जो कि आपके साथ खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हेलो, ये है जनता जो कि आपको वेव कर करके नहीं थक रही है, आपके साथ बातचीत करना चाहती है, फोटोज खींचना चाहती है, जो कि इनको मौका जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल इट्स टाइम कि हम